आज का बिहार बदल चुका है। कभी सत्य और अहिंसा की धरती रही बिहार, आज हिंसा की धरती बन चुकी है। हिंसा का आलम यह है कि कब किसकी मौत दस्तक दे दे, किसी को नहीं पता। यह तस्वीर बिहार में सुशासन वाली सरकार के गिरते इकबाल की चीख चीख कर कहानी बयां कर रही है। फाइनेंस कंपनी द्वारा गाड़ी जब्त कर लिए जाने के कारण फाइनेंस कर्मी को गोलियों से छलनी कर दिया है। इससे पहले गाड़ी जब्त कर लिए जाने के बाद आरोपी ने फाइनेंस कर्मी को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी थी और आज देर रात फाइनेंस कर्मी को गोली भी मार दी। पूरा मामला हाजीपुर सदर थाने का है। इससे पहले फाइनेंस कर्मी गोविंद ने नगर थाने में धमकी मिलने की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन तब पुलिस ने ना तो कोई FIR दर्ज की, ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी। फिलहाल पीड़ित गोविंद की हालत चिंताजनक बनी हुई है। एक व्यक्ति को SDO रोड में भी कुछ देर पहले गोली मार दिया है, जख्मी हालत में है और स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वजह कुछ बताया जा रहा है सर, क्या बात निकल के आ रही है अभी तक सर? वो गाड़ी का फाइनेंस का काम चोला में करवाते थे, वो गाड़ी शायद भिजवा देते, उसी के लिए गोली मारने के बाद जैसा कि बता रहा है। रिकॉर्डिंग में साफ साफ है कि कल थोड़ा घर में चढ़वाओ और घर में गोली हत्या कर दी। रिकॉर्डिंग साफ साफ कल इंस्पेक्टर साहब को मैंने सुनाया। नाम पता के साथ है? हाँ, आवेदन पूरा दिया हुआ है। आवेदन दिया हुआ है।